अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों शाम हो चुकी है, आज तो माशाल्लाह हवा भी ऐसी ना ठंडी ठंडी चल रही है और हमारा ये एक उत्तर अभी उत्तर है और मैं अभी इसको देख रहा था, ये अभी तक काफ़ी ऊंचा था, ये मुझे पता नहीं किस टाइम मुड़ा लेकिन ये अभी नीचे उतर है। तो खैर ये भी आपको दिखाता हूँ और जल्दी से अपनी करते हैं रूटीन शुरू, अपने सब परिंदों को देखते हैं, दाना पानी करते हैं और साथ आप सब दोस्तों को भी दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो हमारी ये डक ये कुछ कल बेहतर थी और लेकिन उसके बाद इसको कोई ख़ास इस तरह फ़र्क या ज़्यादा इसमें नहीं हुए, तो जिस तरह ये कल थी वहाँ पर इसका काम रुक गया। तो अभी फिर खैर इसकी मेडिसिन का भी टाइम हो चुका है तो वो भी इसको देते हैं और एक दफा ना इसको ज़रा बाहर भी निकालते हैं ताकि ये थोड़ा सा इसको हवा लगे, कुछ घूमे फिरे। अरे जनाब माशाल्लाह प्यारे से चिंटू फैमिली और इस मादी ने परसों ही अंडा उतारा था, फिर इसने ना कल अंडा उतारा है और ना इसने आज सारा दिन अंडा उतारा है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि आज मैंने इनको खोल ही रखा है तो मैंने देखा नहीं, हो सकता है अंडा कहीं बाहर उतार दिया हो तो वो भी चेक करना पड़ेगा। तो माशाल्लाह हमारी प्यारी सी डब्स और जो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ नेस्टिंग कर रहे हैं तो इन्होंने वहाँ से भी वो नेस्टिंग खुद ब खुद ही खत्म हो गई है क्योंकि इन्होंने मजीद आगे नेस्टिंग की नहीं थी तो वो जो इकट्ठा कर रहे थे तिनका वगैरह वो भी सारा यहाँ आ गया। इनकी वीडियो बनानी बड़ी मुश्किल है, ये रही हमारी फिंचेस और ये तो खैर फिर दोनों फीमेल हैं और मेल अभी हम इनके मुझे मिले नहीं है, अगर मेल मिल जाते तो इनके लिए हम मेल भी ले के आते तो शायद ये ब्रीड स्टार्ट कर देती। माशाल्लाह ये हमारे बजीज और एक ये जो फीमेल है ना, बस ये एक दो दिन तो तीन दिन पहले आपको मैंने दिखाया था कि ये कुछ ही में जा रही है तो अभी तक तो फिलहाल जरा यही कुछ ही में जा रही है, उसके अलावा इसमें से कोई फीमेल नहीं जा रही है, मतलब और उनका कोई मेरे ख्याल पेयर ही शायद नहीं बनूंगा। माशाल्लाह हमारे सारे कबूतर और कैसे ये लाइन बना के ज़बरदस्त तरीके से बैठे हुए हैं और अभी ये सारे जो है ना सिर्फ दाने के इंतज़ार में कि कब दाना आते हैं और ये सारे नीचे उतरे, ये देखे दाने का नाम लिए तो उड़ने शुरू भी हो गए। जो हमारा ब्रीडिंग वाला केज है उसमें से आज मजीद दो तीन कबूतर और हमने बाहर निकालने हैं, मेरा सिर्फ यही है कि जो ब्रीडिंग वाला केज है वो भरम हो ना हो, इतने कबूतर पार कर कहाँ ले जाने हैं, तो मेरा सिर्फ दिल ये है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। अब भी आगे मौसम भी कुछ बेहतर हो रहा है तो इस मौसम में कबूतर अपने घर के पक्की करना भी ज़रा आसान हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये मैं आपको ज़रा एक दफ़ा अपनी डक दिखा दूँ, तो ये जो है ना उल्टा इसकी जो कंडीशन है मुझे ना कल से भी थोड़ी ख़राब ही लग रही है क्योंकि कल तो ये था कि अच्छा खासा अपना चल रही थी और सुबह भी इसको मैंने मेडिसिन वगैरह दी थी उस टाइम भी ये ठीक थी लेकिन अभी जो है ना ये बिल्कुल ना ऐसे स्लो हुई पड़ी है, ऐसा हो गया ना बेचारी से, ऐसे बिल्कुल आज तो उठा ही नहीं जा रहा है और वैसे भी ये लग रहा है जिस तरह मुर्गियों को कबूतरों को सौगड़ा वगैरह हो जाता है ना तो बिल्कुल कबूतरों की हड्डी वगैरह निकल आती है, तो आज इसके भी सेम इस तरह लग रहा है जिस तरह हड्डी बिल्कुल जी आज हल्की फुल्की सी हुई पड़ी है बेचारी, ये ना बिल्कुल ना ऐसा लग रहा है जैसे खत्म हुई पड़ी है। चलो खैर मैंने इसको ना कर देता हूँ केज में बंद। दोस्तों क्या करते हैं ये जो केज है ना, एक तो मैंने आपको बताया ना कि ये गंदा बड़ी जल्दी होता है तो पहले इसकी सफाई करते हैं और फिर इनको दाना पानी करते हैं। दोस्तों माशाल्लाह इनकी केज की मैंने कर दी है सफाई और पानी को मैंने चेंज कर दिया, दाना भी कर दिया है और डक माशाल्लाह हमारी जो है ना इसने बड़ा पानी दिल भर के पिए और मेडिसिन मैंने खैर पानी भी मिलाई है और अभी ये थोड़ा सा खा ले तो फिर इंशाल्लाह इसको मेडिसिन देते हैं। सबसे मुश्किल काम रह गया दाना पानी तो सबका हो गया, मुश्किल काम ये है कि जो हम इस केज से दो कबूतर पकड़ के बाहर छोड़ने वो सबसे मुश्किल काम है क्योंकि हमारे इस केज से कबूतर पकड़ने बड़े मुश्किल हैं क्योंकि दाना डालो नीचे आते हैं, जब मैं अंदर जाता हूँ कबूतर सारे जाके ऊपर बैठ जाते हैं तो फिर ऊपर के लिए या तो ऊपर जाके चढ़ना पड़ता है ऊपर जाके पकड़ना पड़ता है या फिर अगर वो केज में जाए तब पकड़ना पड़ता है। दोस्तों माशाल्लाह सबसे पहले जनाब कबूतर की आंख का शौक कर ले, ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कबूतर की आंख है, तो ये मैं ना आपको एक एक करके इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि कबूतर ज़्यादा हैं और इकट्ठे तो फिर दिखा नहीं सकते तो इसलिए मैं ना जब एक एक करके निकालता हूँ तो साथ आप दोस्तों को डेली शौक भी करवा देता हूँ। ये एक साइड होगी और ये माशाल्लाह आंख की रिंग देखें और ये देखें जी ये माशाल्लाह ये होगी दूसरी साइड, ये ज़रा ये और थोड़ा नज़दीक कर दी आपके लिए माशाल्लाह ये चेक करें और ये हो गया जी इसके पर और माशाल्लाह ये देखें ये
माशाल्लाह जी। अभी हालांकि इसका मैंने आधा ही खोला, ये चेक करें, ये एक साइड से हो गया, ये दूसरी साइड से कुंदा हो गया, और माशाल्लाह देखें ना कुंदा इसका बिल्कुल ऐसे बराबर है दोनों साइडों से, ये देखें, और यहाँ से भी आठवीं नौवीं और दसवीं, ये देखें, ये आठवीं नौवीं थोड़ी सी बड़ी है आठवीं और दसवीं से, और यहाँ से देखें तो ये देखें यहाँ से भी आठ नौवीं थोड़ी सी बड़ी है आठवीं और दसवीं बराबर है। ये माशाल्लाह इसकी टेल, और ये देखें फन टेल का कबूतर है, और ये होगी इसके पंजे, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल खुश्क पंजों का कबूतर है माशाल्लाह। ओवरऑल ये कबूतर है, ये एक दफ़ा इसके आप रंग वगैरह देख ले, और अगर आपको याद हो तो आज तकरीबन हफ्ते के पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये इसको मैंने निकाला था पिन्ने लगा के, और फिर इसको मैंने बाहर छोड़ा तो ये गायब हो गया था, और उसके बाद तकरीबन ये शाम को वापस भी आ गया था, उसी वीडियो मैंने आपको दिखाया माशाल्लाह। और ये खैर ना कलर जो है ना मेरे हिसाब से फेवरेट है कबूतरों में, तो इसको छोड़ते हैं जी, देखते हैं क्या करते हैं ये। पहले तो खैर केज पे जाएगा और इसने कहा जाने, चले ये जाके अपने जाल पे बैठ गए कि मार, जितने कबूतर है ना ब्रीडिंग वाले उनका मैंने एक दफा दाना पानी कर दिया, और ये उधर मैंने आपको दिखाया था जाल कबूतर, और इसको भी पिन्ने लगी हुई है, तो ये देखिए आ रहा है, चलो ये अच्छा हो गया, मैंने इसको पकड़ना था ये पकड़ नहीं जा रहा था, चल अंदर 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 अंदर, तो इसको पिन्ने लगी हुई थी, मैं दाना डालने लगा तो ये फिर इस केज के अंदर चला गया माशाल्लाह। ये कबूतर बैठे हुए और ये अब चला गया ये अंदर, वो जाके बैठे हैं, तो अभी इसको वहाँ से पकड़ते हैं और इसको ना फिर पिन्ने की भी खोलते हैं। ये माशाल्लाह ये इस कबूतर के शौक करे, और क्योंकि मेरे अंदर जाना है इंसाब ने बाहर आ जाने, ये इसका शौक करे एक ये समझ ना रहे, और अभी इसको खैर मैंने अंदर ही छोड़ो, इसको बाहर निकाल लें, एक वो पीछे टेडी क्रॉस में बैठ हो गए, और तो मैं आपको शौक करवाऊँ तो फिर एक ये कबूतर बैठे है, एक वो पीछे गोल्डन कबूतर बैठे है, तो वो मैंने आपको बताया ना इस तरह, तो फिर बड़ा टाइम चाहिए मुझे आपको कबूतर दिखाने के लिए, और अभी तकरीबन तो खैर मैंने आपको कुछ कबूतर दिखाए ही नहीं हुए। ये माशाल्लाह ये देखे, ये स्नार का शौक करे, ये देखे, ये इंशाल्लाह मैं आपको ना एक ही कार के पकड़ के इनका लाजमी शौक करवाऊंगा, लेकिन अभी तो हम क्या करना है, ये जो हमारा जा कबूतर है इसको हम पकड़ते हैं और इसे पकड़ के पिन्ने खोलते हैं इसकी। चलो भाई आ जाओ, ये जनाब हमने इसको पकड़ लिया, पिन मैंने इसकी खोल दी है, लेकिन इसको मैंने अभी छोड़ा नहीं है, क्योंकि बाहर इस तरह इसको नहीं छोड़ते, क्योंकि ये अंदर था तो इसने दाना पानी अपना सही पेट भर के खाए पी हुए, तो ऐसा मुझे केज में बैठे तो आज इसने बैठना पहली दफ़ा है, तो फिर शाम हो रही है और फिर जो है ना इसको उतारना ज़रा केज से मुश्किल हो जाएगा, तो इसको छोड़ते हैं हम केज के अंदर ही, और ताकि सुबह निकालेंगे तो ज़रा इसको अपने केज की पहचान भी हो चुकी होगी, और फिर यह है कि अगर ऊपर जाके बैठ भी गया तो खैर है, फिर सारा दिन उन्होंने ये खुद ही नीचे उतर आएगा। इनका दाना पानी मैंने कर दिया और बस ये अभी सारे अपने केज में पहुंच जाएंगे, और एक वो नया कबूतर है कि ऊपर, तो खैर वो भी आ जाएगा, उसके लिए इतना नया नहीं है, उसको उतरने का पता है कि जाल से मैंने कैसे उतरने, वो पीछे करके बैठे, ये आगे आ गए, तो ये भी अभी ये देखें, ये बस ये दो रह गए, और ये खैर अभी नीचे खुद ही आ जाए। तो टोकरियाँ पड़ी हुई हैं जो हम बटेर के लिए ले आए थे, तो इनमें से एक टोकरी उठाते और ना इस टोकरी को क्या करते हैं, इस टोकरी को रखते हैं हम अपने मुर्गी वाले केज में, ये जो हमारी ये है हमारी जो चिंटू फैमिली है ना इसको इनके केज में रखते हैं। दोस्तों इसमें मैंने ना पिट्टी को रख दिया सामने और इसमें अच्छा खासा घास डाल दिया, और थोड़ा इसको मैंने सामने से रखे कि आपको मैंने बताया था कि दरवाजे छोटे हैं, तो ये सामने जरा ये है कि मुझे भी पता चल जाएगा जब मुर्गी अंडा देगी, और ऐसे एक दूसरा ये है कि हमारा अंडा भी जब मुर्गी उतारेगी तो वो जरा महफूज रहेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में शौक को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे आप दोस्तों के साथ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।